दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागिन सीरियल में अब तक 5 सीजन प्रसारित हो चुके हैं और अब इसका 6ठा सीजन भी पर्दे पर आने को तैयार है, जिसके हर एक सीजन में अब तक कई सारे अभिनेता नाग की भूमिका पर्दे पर उतार चुके हैं और अपने नाग वाले अवतार से सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन करके मशहूर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नागिन सीरियल में नजर आए अभिनेताओं में से कौन से अभिनेता है सबसे ज्यादा हैंडसम और किसके दर्शक है सबसे ज्यादा दीवाने? नहीं ना, तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करें और जानें नागिन सीरियल में नजर आए अभिनेताओं में से कौन सा अभिनेता है सबसे ज्यादा हैंडसम और कौन है हैंडसम लुक के मामले में नंबर 1 पर। नंबर 10, विजेंद्र कुमेरिया। लिस्ट की 10वीं कड़ी में अभिनेता विजेंद्र कुमेरिया का नाम शुमार है, जो कि नागिन 4 में देव पारिख की भूमिका अदा करते हुए दिखाई दिए थे। बात करें इनके हैंडसम लुक की, तो ये कोट पैंट से लेकर टी शर्ट जीन्स में बहुत ही हैंडसम और सिंसियर नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 9, मोहित सहगल। बात करें मोहित सहगल की, जिन्होंने सुरभि चंदना के साथ नागिन 5 सीरियल में जैक का किरदार निभाया था और एक मतलबी और घमंडी नाग की भूमिका बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतार कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। बात करें इनके हैंडसम लुक की, आपको बता दे भले ही इनका हर रंग फेयर है, पर इसके बावजूद भी ये दिखने में काफी हैंडसम दिखाई नहीं देते। नंबर 8, किंशुक महाजन। नागिन 2 सीरियल में रुद्रा का किरदार निभाने वाले अभिनेता किंशुक महाजन भी आज अपनी अच्छी एक्टिंग के बदौलत बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। बात करें इनके हैंडसम लुक की, तो ये अपने तरह तरह के हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस से बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं। नंबर 7, करणवीर बोहरा। नागिन 2 सीरियल में रॉकी का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके अभिनेता करणवीर बोहरा भी दिखने में काफी हैंडसम दिखाई देते हैं, बट कुछ कुछ एक्सप्रेशंस में ये हैंडसम नहीं लगते, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके चलते ये नंबर 7 पर शुमार होते हैं। नंबर 6, रजत टोकस। नागिन 3 सीरियल में विशाखा के पति विक्रम का किरदार निभाने वाले अभिनेता रजत टोकस के हैंडसम लुक की बात करते हैं, तो ये हैंडसम लुक के मामले में कितने आगे हैं ये तो सभी जानते हैं, पर क्योंकि ये अपने हेयर स्टाइल और यूनिक लुक देने की वजह से अक्सर अपनी पर्सनैलिटी को फीका कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम नंबर 6 पर आता है। नंबर 5, शरद मल्होत्रा। इस लिस्ट की 5वीं कड़ी में अभिनेता शरद मल्होत्रा का नाम शुमार है, जो नागिन 5 सीरियल में चिल चिल वीरांशु का किरदार निभाते हुए नजर आए थे और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं। जी हाँ, इनके हैंडसम लुक को और भी ज्यादा निखारता है इनका ड्रेसिंग सेंस और बोलने का अंदाज। नंबर 4, अर्जुन बिजलानी। इस लिस्ट की 4थी कड़ी में अभिनेता अर्जुन बिजलानी का नाम शामिल होता है, जो नागिन 1 सीरियल में शिवन्या के पति ऋतिक की भूमिका निभाते हैं और ये अपने हर एक अंदाज और एक्सप्रेशन में काफी क्यूट लगते हैं और कोट पैंट में काफी सिंसियर लगते हैं, जिस वजह से ये हैंडसम लुक की लिस्ट में नंबर 4 पर शुमार है। नंबर 3, धीरज धूपर। अब बात करते हैं धीरज धूपर की, जो नागिन 5 सीरियल में चील आकेश का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। बात करें इनके लुक की, तो ये हर एक ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लगते हैं, तभी तो इनका नाम नंबर 3 पर शुमार है। नंबर 2, सिम्बा नागपाल। नागिन 6 सीरियल में नाग की भूमिका पर्दे पर उतारते हुए नजर आने वाले अभिनेता सिम्बा नागपाल भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इनके हैंडसम लुक को और भी ज्यादा निखारता है इनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 1, पल्लवी पुरी। जी हाँ, हैंडसम लुक के मामले में नंबर 1 पर है अभिनेता पल्लवी पुरी, जो नागिन 3 सीरियल में नागरानी बेला के पति माहिर का किरदार पर्दे पर उतारते हुए नजर आए थे और ये हर एक ड्रेस के साथ साथ हेयर स्टाइल में भी बहुत ही हैंडसम लगते हैं और इनके देखने से लेकर बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है, जिस वजह से पल्लवी पुरी हैंडसम लुक के मामले में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं में से कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।